हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु की दुनिया। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हूँ और आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पूरा ये अभी जो चल रहा है टॉपिक वो बहुत छाया हुआ है, तो उससे रिलेट करके ही है वीडियो। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो कभी मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मैं फ़ैन हूँ और उनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग से अभी तक, क्योंकि हर लड़की के लिए वो एक मोटिवेशन है। तो उनकी जर्नी को डिस्क्राइब करने में बहुत मैं दिल से चाह रही थी कि मैं डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से अभी तक मैं उनको देखते आ रही हूँ। तो वो और कोई नहीं है, शिवानी कुमारी है। जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके वो मुंबई में एक रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में गई और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने अपना से होकर कि वो गांव से है, बोलने सही नहीं आता है, वो सही से बोल नहीं पाती हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके उन्हें बहुत ही टारगेट किया गया बिग बॉस OTT के अंदर। हर टाइम उन्हें नॉमिनेट किया गया और ये सारी चीज़ें पे मुझे बोलना इसलिए था क्योंकि मैं दिल से उनको बहुत चाहती हूँ और मैंने जब से वो पहले से ही तो मैं उनकी फ़ैन थी। मैं उनकी ब्लॉग कंटिन्यू मैं हमेशा देखा करती थी कि वो अपने गांव में सभी लोगों के साथ वो कैसे रहती थी, मतलब उनके आवाज़ को लोग आवाज़ को लेके उनके बहुत उनको ट्रॉल किया गया, उन्हें टारगेट किया गया कि इसको बोलने नहीं आता है, गाँव की है, इसको ढंग से बात करने नहीं आता है। इस सारी चीज़ों को लेके उन्हें बहुत ही टारगेट किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो रियल पर्सनालिटी थी वो गांव में जैसे रहा करती थी और अपनी भाषा में जो ब्लॉग बनाया करती थी सेम वही उन्होंने वहां पे दिखाया, अपनी रियलिटी दिखाई। लेकिन बाकी लोग उसमें जो थे वो लोग बहुत सारी अपनी रियलिटी को यानी रियल पर्सनालिटी को छिपा रहे थे, बट उन्होंने बाहर जैसा जैसे वो रहती थी वैसा ही उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शित किया खुद को। तो इसके लिए भी उनको बहुत टारगेट की गया, तो ये मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उन्हें इतनी सारी कैमरा के सामने 24 आवर लाइव में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, बिग बॉस OTT 3 को इतना इंटरेस्टिंग बनाया, इंटरटेन किया, अपने मुद्दे को रखा, 100% टास्क में उन्होंने अपना दिया और दोस्ती से लेकर अपने मुद्दे तक ले अपने खुद की स्टैंड उन्होंने लिया, यानी फुल ऑफ पैकेज थी वो बिग बॉस OTT 3 में। और इंटरटेन तो उनके ऐसा कोई नहीं कर पाया। और शिवानी कुमारी का जो सफ़र रहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्योंकि एक लड़की गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय की और उसके बाद वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया। वो गांव से है, उनकी लैंग्वेज गांव की है और उनको सही से बोलने नहीं आता है, दूसरे से बात करने उनको सही से नहीं आता है, तो जिन लोगों की सोच थी वो गलत थी, क्योंकि वो जैसा अपने आप को रखा है गांव में और ब्लॉग में जैसा उन्होंने अपने आप को रखा है सेम वैसा ही प्रदर्शित उन्होंने किया है बिग बॉस OTT के अंदर। लेकिन उनके लिए उस आवाज़ को लेकर ही वो इतनी फेमस हुई हैं और उसी को लेकर टारगेट किया गया उनको, तो ये बहुत ही इजी टारगेट सभी के लिए हो गई थी, सबके लिए मुद्दा मिल जा रहा था इजी। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बिग बॉस OTT के अंदर अगर व्यू दिया है तो वो शिवानी कुमारी दी हो, चाहे वो अपने मुद्दे को लेकर, चाहे वो अपने एंटरटेनमेंट को लेकर, चाहे वो अपने दोस्ती को लेकर, सभी चीज़ों में, चाहे वो अपने टास्क को लेकर, सभी चीज़ों में उन्होंने 100% दिया है और व्यू भी दिया है और बाहर जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया है। और जो उनका इविक्शन था वो बहुत ही अनफेयर इविक्शन था, अगर जनता के वोट के आधार पे उनको हटाया गया रहता तो उतना दुख नहीं होता, उनको घर वाले के वोट के आधार पे उन्हें इविक्ट किया गया है, तो ये बहुत ही अनफेयर डिसीजन था। और बिग बॉस OTT 3 का
क्या रूल रेगुलेशन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी फ़ैन हूँ। उनको स्टार्टिंग से ही बिग बॉस OTT के अंदर मैं देखते आ रही हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको चाहूँ तो मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ उनके बारे में, वो चाहे पॉलमी का हो। पॉलमी ने उन्हें इतना बुरा भला बोला, गाली गलौज की, यहाँ तक कि उन्होंने ये 24 आवर लाइव कैमरा के सामने इतने बड़ी सेलिब्रिटी होकर उन्होंने उनको बोला कि गांव से उठा के ऐसे ऐसे लोगों को ये बिग बॉस OTT में लाते हैं। ये ने क्वेश्चन उठाया बिग बॉस के ऊपर, तो ये आप कौन सा, आप बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप कहाँ से सीख के आई हैं कि किसी को आप ऐसे नीचा दिखा सकती हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं तो दिल से चाहती थी कि वो इविक्ट हो जाए, और जस्ट उसके बाद ही वो इविक्ट हो गई, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपको इससे ये पता चला कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या थी और शिवानी कुमारी की रियल पर्सनैलिटी क्या थी। उसके बाद आती है चंद्रिका की। चंद्रिका के साथ इन्होंने शिवानी कुमारी अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एक बहन की तरह उन्होंने उनको माना, और वो भी उनको एक छोटी बहन की तरह मानी। सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड स्टार्टिंग में चंद्रिका के साथ शिवानी कुमारी करती थी। लेकिन चंद्रिका कुमारी की जब इविक्शन की बारी आई थी तो वहाँ पे स्टैंड शिवानी कुमारी ने लिया था। उनको बचाने के लिए एक टास्क किया गया था। उस टास्क में जब बड़ी बहन का टाइम आया फर्ज निभाने का, तब तो चंद्रिका पीछे हट गई। इसके कारण भी बहुत ही हर्ट हुई शिवानी कुमारी। लेकिन उसके बावजूद विशाल के साथ हो, लव केस के साथ हो, सना मकबूल के साथ हो, सबके साथ उन्होंने अच्छा अपना दोस्ती रिप्रेजेंट किया है। लव केस कटारिया की जब आई थी, वो बाहर वाले बने हुए थे, जब विशाल ने उन्हें गेस कर लिया था तो उनके लिए उनको पनिशमेंट दी गई थी, चक्की पीसने वाला। वहाँ पे भी शिवानी कुमारी ने एक अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और उनको सेव किया। सारे घर वालों का प्यार जीती हैं, अपनी दोस्ती निभाई हैं, अपनी रिलेशनशिप को उन्होंने हमेशा आगे रखा है। जिससे वो दोस्ती निभाई है वो अंत तक वो निभाई है, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए जीत है। और उन्होंने पूरे घर में एंटरटेनमेंट किया है, वो सबसे बड़ी जीत है। और उनको बोला जाता था कि ये छोटी अखबार है, तो छोटी अखबार नहीं थी, वो भोली थी, क्योंकि उनके पास जो उनके दिल में रहता था वो सामने वाले को बोल देती थी, इसलिए उनको छोटा अखबार बोला जाता तक जाए। मैं चाहती थी कि वो फिनाले तक जाए, लेकिन उनको घर वाले के वोट के आधार पे उन्हें इविक्ट कर दिया गया। और यहाँ तक कि अनिल सर ने उनको बोला कि जब विशाल और लव कटारिया के जो इविक्शन की बात आई थी, उसके पहले शिवानी कुमारी का इविक्शन हो चुका था, तो उसके बाद जब लव कटारिया और विशाल का इविक्शन का बारी आया था, तो उन्होंने खुद बोला था कि अगर इस जगह पे अगर शिवानी कुमारी रहती तो गेम पलट जाता। इसलिए बोला गया था क्योंकि जनता के वोट के आधार पर शिवानी कुमारी सेव हो सकती थी, क्योंकि उनको बाहर से जनता ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था, तब गेम पलट सकता था। और हो शायद हो ये भी हो सकता था कि लव कटारिया भी एविक्ट हो जाते और शिवानी कुमारी सेव हो जाते, लेकिन कोई नहीं, इतना 35 दिन तक रही वो, बहुत ही उनका जर्नी बहुत अच्छा रहा। मतलब उन्हें जनता बहुत प्यार कर रही है, घर से बॉन्ड बना के आया है, तो वही उनके लिए बड़ी जीत है। और गाँव से निकल के पूरे गांव की लड़कियों के लिए वो मोटिवेशन है, पूरे शहर की लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन है कि आप अपने आप खुद से अगर आप चाहती हैं कुछ करना तो कर सकती हैं, बस अपने पे विश्वास होनी चाहिए। तो ये आपको आपके लैंग्वेज को लेके, आपके गांव की आवाज़ को लेके कि आप गांव से हैं शहर से नहीं हैं, ये सारी चीज़ें को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि इससे आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने लिए कुछ करना है। तो ये अपने ब्लॉग में भी बोली है कि मैं बहुत खुश हूँ। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि उसके बाद मैं बिग बॉस देखना बिल्कुल बंद कर दी थी, जब उनको बिग बॉस से निकाल दिया गया था, यानी इविक्ट हो चुकी थी। लेकिन मैं कल वाला बिग बॉस OTT 3 का जो 9 बजे से प्रीमियर आता है लाइव, तो वो मैं देखी हूँ। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी सवालें पूछी गई थी।
जो कि दिल छू गया, और सबसे एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैं वो क्वेश्चन से बहुत मैं खुश हुई थी, जो कि साना मकबूल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किसी को जज कैसे कर सकती हैं कि शिवानी कुमारी का जो जर्नी था बस यहीं तक था, इसके आगे उनका जर्नी कंटिन्यू नहीं हो सकता था एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस OTT 3, तो आप उनको कैसे जज कर लें कि इसके आगे उनका जर्नी नहीं कंटिन्यू हो सकता था। तो ये जो क्वेश्चन था ना वो बहुत मुझे दिल छू गया। उससे निकलने के बाद शिवानी कुमारी बोली है कि ये हम तीनों की दोस्ती तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया उसके अंदर, तो ये सच बात है। ये जर्नी अच्छा लगा तो मैं सोची कि चलो मैं इसके बारे में शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस